नमस्कार दोस्तों, ड्रोपल 7 इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि कंटेंट टाइप कैसे क्रिएट किया। ब्लॉग नाम का हमने एक कंटेंट क्रिएट किया था जिसकी फील्ड थी टाइटल, बॉडी, ब्लॉग, इमेज। दोस्तों, अब इस कंटेंट टाइप में हम कैसे कंटेंट ऐड करते हैं, उस बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उसके लिए अभी आप इस लिंक पे, शॉर्टकट लिंक जो हमें बनी है, ऐड कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कंटेंट टाइप होंगे वो यहाँ शो करेंगे। जैसे अभी हमने बनाया ब्लॉग कंटेंट टाइप, तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए टाइटल आया, जो हमने फील्ड रखी थी टाइटल, बॉडी और ये ब्लॉग इमेज, जो हमें इमेज अपलोड करनी है। तो एग्ज़ाम्पल करते हैं, ऐड करते हैं। बॉडी में दोस्तों हम कुछ डमी कंटेंट रख देंगे, ठीक है। और इसका टेक्स्ट फॉर्मेट क्या चीज क्या कैसा रहेगा, फिल्टर HTML। अगर फुल HTML कर देते हैं दोस्तों तो ये पूरे HTML की कोडिंग को सपोर्ट करेगा, तो ठीक है। अगर हम इसमें PHP भी यूज़ करना चाहें कि हमें कुछ PHP में कोडिंग करनी है तो उसका भी ऑप्शन है। उसके लिए मॉड्यूल है PHP का, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब यहाँ पर वो PHP का ऑप्शन आ जाएगा। अभी के लिए फुल HTML रखते हैं दोस्तों। ब्लॉग इमेज अपलोड करते हैं, जिसे अभी एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ये किया, ठीक है। अपलोड किया, देखिए दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल इमेज अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। जब हमने पिछले वीडियो में कंटेंट टाइप में अपलोडिंग समय अनलिमिटेड अपलोडिंग का ऑप्शन दिया था, वो यहीं से है। अब हम इसमें एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा, चार, जितनी चाहें आप उतनी इमेज, क्योंकि अनलिमिटेड है तो जितनी चाहें इमेज आप अपलोड कर सकते हैं। रिमूव करनी है तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक। मेनू सेटिंग, अगर इस ब्लॉग को कोई मेनू लिंक देना है तो क्लिक करके प्रोवाइड कराएंगे, तो अगर इस नाम से मेनू बन जाएगा, हमें नहीं चाहिए तो हम अनचेक कर देते हैं, ठीक है, सेव कर देते हैं। पब्लिश ऑप्शन में देखिए, ये अगर कंटेंट पब्लिश भी होगा और प्रमोट हो जाएगा होम पेज पे। अगर आपको नहीं प्रमोट करना तो अनचेक कर दीजिए। हम प्रमोट करते हैं, सेव करते हैं, देखिए ये हमारा कंटेंट ऐड हो गया। यह उसका टाइटल आ गया, ये उसकी बॉडी हो गई, ये उसका इमेज हो गया, और हमने कमेंट का ऑप्शन ऑन रखा था तो यूज़र इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। अभी दोस्तों अब ब्लॉग है तो इमेज ऊपर आए, इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं हम। उसके लिए हमें स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, कंटेंट टाइप में जाना पड़ेगा, मैनेज डिस्प्ले फील्ड, मैनेज डिस्प्ले। यहाँ पर देखिए बॉडी ऊपर है और ब्लॉग इमेज नीचे है, तो इसको हम अगर यहाँ से भी एग्जांपल में देखें कि सो रो विजिट, तो देखिए 01। अगर हम इसको चाहें तो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी चेंज कर सकते हैं। ये ऊपर हो गया, बॉडी नीचे हो गई, सेव कर दिया। अब हम अगर कंटेंट में जाएंगे, देखिए बैनर जो हमने अपलोड किया था इमेज, वो ऊपर हो गई। दोस्तों उसकी साइज़ अगर बड़ी है तो उसको भी हम छोटा कर सकते हैं। उसके लिए कंटेंट टाइप में जाएंगे, मैनेज डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ देखिए इमेज के आगे आ रही है ओरिजिनल इमेज, जिस साइज़ की इमेज होगी वही शो करेगा। अगर हम कुछ चाहते हैं, कुछ हमने कस्टम साइट्स स्टाइल बनाई हैं दोस्तों, जो ये स्टाइल्स आ रही हैं बाय डिफ़ॉल्ट हैं, हम इसमें अपनी भी साइज़ दे सकते हैं मनचाही, जो हम रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, इमेज स्टाइल में जाएंगे। यहाँ पर देखिए वही तीन स्टाइल्स हो रही हैं जो यहाँ क्रिएट हुई हैं। अगर आप दूसरी बनाना चाहते हैं तो ऐड न्यू, और यहाँ क्रिएट करेंगे ब्लॉग हेडर इमेज, देखिए यहाँ पर आप उसका रेजोल्यूशन स्केल दे सकते हैं। हम स्केल लेके चलते हैं, उसकी क्या हाइट रहेगी, इसकी विड्थ कितनी रहेगी, सॉरी, जो आप देना चाहें, हाइट कितनी ऐड कर दीजिए दोस्तों। ये ऐड हो गया,
अब देखिए इस पेज को आप अगर रिफ्रेश करेंगे तो अब आप जो आपने बनाई थी ब्लॉग हेडर इमेज वो आपको शो करेगी। आप इस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको इस इमेज पे क्लिक करके किसी कंटेंट में ले जाना है या किसी फाइल में ले जाना है तो आप उसको भी यहाँ पर क्लिक कर देंगे। हम नथिंग लेके चलते हैं, अपडेट कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ये देखिए उसका साइज़ चेंज हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हमने कवर किया कि अपने कंटेंट टाइप में कैसे हम कंटेंट ऐड करते हैं। आगे और ड्रुपल 7 हिंदी में बातें कवर करेंगे। अब तक के लिए नमस्कार।